बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यपाल की 40 मिनट का मुलाकात पूरे बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया था। 40 मिनट का इस मुलाकात की चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी और बिहार में मुलाकात का सच सामने अब आ गया है। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर यह मुलाकात हुई थी। राजभवन की ओर से वीसी की नियुक्ति से संबंधित रिलीज भी जारी किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुई थी, लेकिन इसे राजनीतिक मुलाकात बताया जा रहा था। नियुक्ति से पहले राज्यपाल इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहते थे। इस चर्चा के बाद राजभवन सचिवालय की तरफ से बिहार के 6 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजभवन से जारी अधिसूचना के मुताबिक 9 नियुक्ति कुलपतियों का कार्यकाल उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों तक का होगा। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के पद पर प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। वहीं KSD संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के पद पर प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे को नियुक्त किया गया है। मधेपुरा BN मंडल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बिल्मेंदु शेखर झा को कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। लंबे समय से प्रभार में चल रहे BRA विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति के पद पर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति के पद पर प्रोफेसर परमेंद्र कुमार बाजपेयी को नियुक्त किया गया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति के पद पर प्रोफेसर शरद कुमार यादव को नियुक्त कर दिया गया है और यह सभी सूचना राजभवन से जारी कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की, जिसे लेकर चर्चा का बाजार और गर्म हो गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश NDA में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से सियासत में बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि खेला हो बे। NDA में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंगलवार को प्रदेश में खेला होने के संकेत देते हुए इशारों में एक्स पर लिखा, बंगाल में कहते हैं खेला होवे, मगही में कहते हैं खेला हो कतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। इसके बाद नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात की चर्चा इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ ये खबर चलने लगी कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से इंडिया गठबंधन से अलग होकर और फिर NDA के साथ जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति का था। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं या फिर नीतीश कुमार इस बार पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।